हम ऐसे बाहर क्यों चले गए थे दामोदर? आप इन फिरंगियों से हमारी रक्षा करने के लिए तलवार लेकर बाहर आए थे? आपको अपनी आई की कितनी चिंता है? Damn it! You can't get away! हीरो साहब, गुस्सा थोक दीजिए। शिकार पिंजरे के अंदर है, कब तक बचेगी? आज नहीं तो कल इस नगर की तरह किले पर भी आपका कब्जा होगा। काशी, मैं हमें माफ कर दीजिएगा महारानी साहब। हम ओरछा द्वार की रक्षा नहीं कर सकते। नहीं काशी, तुमने तो जो कुछ भी किया हम सबको उस पर गर्व है। तो तब तो हम प्राण त्याग सकते हैं। आप धन्यवाद है साहब। अब दासी की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं काशी, थोड़ा साहस रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, थोड़ा साहस रखो काशी। हाँ, महारानी साहब।
धिक्कार है तुझ पर। ना तो तू अपनों का हो सका और ना अपनी मातृभूमि का। आज जिनके सामने तू घिघियारा है ना, कल वही तुझे ठोकर मारेंगे। विश्वासघाती, तेरे जैसे गद्दारों के कारण ही आज हमारा हिंदुस्तान इन फिरंगियों की दास्ता का दंश झेल रहा है। याद रखना दुल्हाजू, काशी के खून का बदला हम तुझसे अवश्य लेंगे। Do the counting later, Lakshmi Bai. We've already captured the Jhansi city, and soon we'll capture the Jhansi palace. अरे सपना देख, झांसी हमारी थी, हमारी है और सदैव हमारी रहेगी। और हम तुझे यहाँ से भागने पर विवश कर देंगे, ये लक्ष्मी बाई का वादा है। You're scared, hiding in the fortress. Better to surrender and admit defeat. फिरंगे, हमारी मलिका साहिबा ने ना तो आज तक हार का मुंह देखा है और ना ही देखेगी। तूने हमारी पाक झांसी में अपने नापाक कदम रख के अपनी मौत का दावा दिया है। अब देख तेरी बटालियन को मैं कैसे उड़ाता हूं। चलाओ गौस खान। क्या किया आपने गौस खान? मलिका साहिबा, आप यहाँ से दूर चली जाइए। क्यों? मलिका साहिबा, ये तोप कभी भी फट सकती है। देखिए उसके पीछे से, वहां से धुआं निकल रहा है। यहाँ रहना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। जाइए आप यहाँ से। फिरंगियों की गोली से हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। गौस खान जी, तोप चलाइए। महारानी साहिबा, अनर्थ हो गया। किसी दुष्ट ने हमारी सारी तोपों में छेद कर उसमें मिट्टी भर दिया। सारी तोपें बेकार हो गई। ये काम सिर्फ हवीज राव दुलाजू ही कर सकता है। राव दुलाजू की चाल हवा से भी तेज है। महल में मौजूद सारी तोपों में मैंने पहले ही छेद करके उसमें मिट्टी भर दी थी। अब इनकी सारी तोपें किसी काम की नहीं। Very good, Dulaju. I'm really impressed. You really saved me today. जब तक तुम राव Dulaju के साथ हो, भवानी कसम तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। ये झांसी की रानी
आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बॉस खान जी, तोपों की मरम्मत की जा सकती है? जी मलिका साहिबा, पर थोड़ा वक्त लगेगा। कितना वक्त तो लगेगा मलिका साहिबा? पहले मैं मेरी कड़क बिजली को दुरुस्त कर देता हूँ। शीघ्र शीघ्र कीजिए गौस खान जी, शीघ्र कीजिए। अभी कह देता हूँ मलिका साहिबा। मलिका साहिबा, फिरोज के खून का प्यासा मैं भी हूँ। सबसे पहले तो इसे मैं मारूंगा। Need to hide somewhere immediately. If we stay here, Lakshmi Bai will keep attacking us in this open area. We have to find somewhere safe. Go, search somewhere suitable, where they will never attack us. Hero साहब, किसी को कहीं भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है वो कौन सी जगह है जहाँ वो आक्रमण नहीं कर सकते। Where? तुलाजू झांसी के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। साहब, किसी को कहीं भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है वो कौन सी जगह है जहां वो आक्रमण नहीं कर सकते। Where? तुलाजू झांसी के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। आइए मेरे साथ। सब क्या हो रहा है? फिरंगी हमारे सैनिकों पर गोलियां बरसा रहे हैं। गौस खान उन पर तोपों से आक्रमण क्यों नहीं कर रहा है? लोग बुद्ध की तरह खड़े क्यों हैं? महारानी साहब, उधर देखिए, हम उन पर तोप नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? उस ओर देखिए महारानी साहब। साहेब, ये ससुरे फिरंगी है, एक नंबर के चरित्रबाज है। इन ससुरों को वो पीर बाबा की मजार के पीछे जाए कहीं मारा जा सकता है, और कोनो रास्ता नहीं है, और कोनो रास्ता नहीं है। Well done, Rao Duhaju. You're looking very intelligent these days. We can shoot at them, and they can't shoot at us because of their superstitions. Hey, mere Allah, ye tera kaisa insaaf hai? Madre Watan ke dushman, Peer Baba ki mazar ke piche jaakar chup gaye hain. अब मैं उन्हें मार भी नहीं सकता। रहम, रहम मेरे अल्लाह, ऐसा इम्तिहान मत ले अपने बंदों का। रहम। गौस खान, अगर यही हालत रही तो हमारे सारे के सारे सैनिक मारे जाएंगे। कुछ कीजिए गौस खान, कुछ कीजिए। नहीं रघुनाथ सिंह जी, गौस खान के होते ये कभी नहीं होगा।
आखिरी सांस तक लड़ूंगा इन खबीजों के साथ, आखिरी सांस तक। आप कहाँ जा रहे हैं? युद्ध आरंभ हो चुका है, अगर आपको कुछ हो गया तो। बस चुपड़ा। मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा और शाश्वत सत्य है। अमृत किसी ने नहीं पिया चुपड़ा। यदि धरती मां की रक्षा करते करते मेरे प्राण चले जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। मां की रक्षा करते करते मेरे प्राण चले जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। महारानी साहिब, इन ससुरे फिरंगियों को वो मजारे शरीफ के पीछे जाए के ही मारा जा सकता है। और कोनो रास्ता नहीं है खान साहब, और कोनो रास्ता नहीं है। असंभव बातें मत करो कर्मा, उन्हें मारने के लिए हमें पीर बाबा के मजार के पीछे जाना होगा। और तुम जानते हो किले के बाहर जाने का क्या परिणाम होगा? हे देवा, अब हम क्या करें? ये तो महल का द्वार खोले की आवाज है।